हैदराबाद में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का खुमार फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला। मुकाबले में पहले बैटिंग करने उतरी इंग्लैंड को भारतीय गेंदबाजों ने 246 रनों पर ढेर कर दिया। इसके बाद भारत की बैटिंग के दौरान फैंस में कप्तान रोहित शर्मा की दीवानगी देखने को मिली। लाइव मैच के दौरान एक फैन रोहित शर्मा का आशीर्वाद लेने के लिए मैदान पर पहुंच गया। इंग्लैंड को जल्दी ढेर करने के बाद भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग पर उतरे। इसी बीच एक फैंस बीच मैदान पर बैटिंग कर रहे रोहित शर्मा के पास पहुंच गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि फैंस भारतीय कप्तान के पैर छू रहा है। इतना ही नहीं, वहां पर सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं, उसे पकड़कर मैदान से बाहर ले जाते हैं। दरअसल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बैटिंग के लिए उतरी इंग्लैंड की टीम पर भारतीय स्पिनर्स कहर बनकर टूटे। रविचंद्रन अश्विनी और रविंद्र जडेजा ने 3-3 इंग्लिश बैटर्स को अपना शिकार बनाया। इसके अलावा बापू यानी कि अक्षर पटेल ने अपनी फिरके में 2 बल्लेबाजों को फंसा दिया। वहीं बाकी के बचे 2 विकेट जसप्रीत बुमराह ने अपने नाम किए। इस दौरान इंग्लैंड के लिए कप्तान बने स्टॉक्स ने 88 गेंदों में 70 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली। इंग्लिश कप्तान की पारी में 6 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। इसके अलावा कोई भी इंग्लिश खिलाड़ी 50 रनों का आंकड़ा पार नहीं कर सका।